Welcome guys, our public school online classes. Today we are going to discuss about the structure of cell. In previous video we have already discussed about the cell and its general like as discovery, function and other some parts of structure. But here we are again to अबाउट गोइंग टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. पिछली वीडियो में हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन काफ़ी समय बीत गया है और इसकी वजह से एक बार फिर से रिवीजन होना जरूरी है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोशिका क्या है. कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें, इसकी खोज की बात करें, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको कार्क के टुकड़े में खोजा था, और इस खोज के बाद ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी. तो आपको आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की. तो आपका आंसर होना चाहिए रॉबर्ट हुक. और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो आपका आंसर होगा ल्यूवेनहॉक ने. एक और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो आपका आंसर होना चाहिए स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था. इसके बाद हमने डिस्क्राइब किया था कि कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं. तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर. यूनि मींस होता है एक, सेलुलर मींस होता है कोशिका का बना हुआ, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीव. यूनिसेलुलर मींस इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और ऐसे जीव जो एक या एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. तो यहाँ पर यूनिसेलुलर का एग्जांपल हम अमीबा, पैरामेशियम, इन सबको लेकर चल सकते हैं. ये कोशिका के बने होते हैं, इनकी जो पूरी लाइफ होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, सिर्फ एक लाइफ से, एक कोशिका से चलता रहता है, इसलिए हम इनको एक कोशिकीय जीव बोलते हैं या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. जबकि अदर जो जीव होते हैं उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो बॉडी की संरचना होती है वो एक से अधिक कोशिकाओं की बनी होती है, इसलिए हम उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. और यहाँ पर नेक्स्ट जो हम जानेंगे वो है टाइप ऑफ सेल्स. टाइप ऑफ सेल्स दो प्रकार की कोशिकाएं हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, और जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा है नेक्स्ट हमारी यूकैरियोटिक सेल. Here in the prokaryotic cells, pro means which is developed firstly, यानी कि ऐसी कोशिका जो पहले विकसित हुई हो, सबसे पहले विकसित हुई अर्थात prokaryotic कोशिका पहले विकसित हुई, उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिकाएँ विकसित हुई हैं. prokaryotic जो कोशिकाएँ होती हैं उनमें जो organs होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ये अब्सेंट होती है. जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक होता है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोल सकते क्योंकि वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, और जो नॉर्मल न्यूक्लियस होता है उसके समान नहीं होता है, इसलिए हम उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. नेक्स्ट वन हमारा है यूकैरियोटिक सेल्स. ऐसी कोश, यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस. यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन मीन्स होता है
न्यूक्लियस। और ये जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव जो सबसे पहले विकसित हुआ हो, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, जो माइटोकांड्रिया होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो विकसित जीवों में पाई जाती हैं। जीवों में यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया अर्थात जीवाणु और नीली हरी शैवाल में पाई जाती हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये था शॉर्ट में इंट्रोडक्शन कोशिका का। नेक्स्ट जो हमारा मेन यहाँ पर स्टडी का मटेरियल है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो यहाँ पर हम एक प्लांट की सेल को लेकर चलते हैं। अगर हम कोशिका की संरचना की बात करें तो जो कोशिका की संरचना होती है मुख्य रूप से तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये तीन चीज़ें हर कोशिका में पाई जाएंगी, चाहे वो प्लांट कोशिका होगी, चाहे वो एनिमल सेल होगी, चाहे वो प्लांट सेल होगी। ये तीन चीज़ें कंपल्सरी पाई जाएंगी। और जो प्लांट सेल होती है उनमें एनिमल सेल्स से थोड़ा डिफरेंस होता है। कुछ पार्ट्स जो हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हो सकता है वो प्लांट सेल में ना पाए जाएं लेकिन एनिमल सेल में वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आइए लेकर चलते हैं इसको। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक पतली झिल्ली थिन मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर लेकर चलते हैं प्लांट सेल का, इसमें समझते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन है। तो आप यहाँ पर ये सबसे बाहर की तरफ देख रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, और इस सेल वॉल के नीचे ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के नीचे ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके भीतर में जितने भी मटेरियल लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर जो चारों तरफ से लिक्विड फॉर्म घिरा होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और इसके अलावा, इस साइटोप्लाज्म के अलावा इसमें जो ये गोल्स हैं, रिक्तिकाएं जिसको हम बोलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये सेल ऑर्गेनेल्स भी उस साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक के नाम से जानते हैं, ये बीच में राउंडेड पार्ट आप देख रहे हैं जिसको हम न्यूक्लियस या फिर केंद्रक के नाम से जानते हैं। ये न्यूक्लियस के भीतर में आप देखेंगे ये क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, क्रोमैटिन के धागे हैं। यही क्रोमैटिन के धागे आगे सेल डिवीजन में जो है वो संकुचित हो जाते हैं और इनकी मोटाई बढ़ जाती है, तब हम इसको क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, इन्हीं क्रोमैटिन थ्रेड्स को। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, यही जो क्रोमैटिन के थ्रेड्स हैं ये संकुचित होकर थोड़ा घने हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और वो फिर वहाँ पर कोशिका विभाजन के दौरान ये क्रोमोसोम कहलाने लगते हैं। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम किस में बंद है, न्यूक्लियस में। और ये जो न्यूक्लियस
में आप ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और न्यूक्लियस के भीतर में एक छोटा सा राउंडेड गोल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट साइटोप्लाज्म, जिसको हमने डिस्क्राइब कर दिया कि जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म के अंतर्गत रखते हैं। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दो चीज़ें होती हैं, आप इसको क्लियर करके चलिए, भविष्य में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, अर्थात कोशिका का वह भाग जो जीवित होता है जिसमें, उसको हम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस प्लस प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मुख्य जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हुए चलते हैं। तो पहले हम यहाँ पर, क्योंकि सेल के बाहर, सबसे बाहर की तरफ सेल वाल पाई जाती है, तो एक एक ऑर्गेनेल को लेकर हम चलते हैं। सबसे पहले हम सेल वाल को लेकर चलते हैं। सेल वाल क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएँ होती है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, आइए देखते हैं। सेल वाल, जिसको हम हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल वाल मुख्य रूप से प्लांट्स में पाई जाती है। एनिमल सेल्स में ये कम्प्लीटली अब्सेंट होती हैं, पूरी तरह से अब्सेंट होती हैं। कुछ वायरसेज में, सॉरी फंजाई में, कुछ फंजाई में और बैक्टीरिया में सेल वाल पाई जाती हैं। और जबकि जो सेल वाल है उनका जो मुख्य लक्षण है कि वो प्लांट सेल्स में ही पाई जाती हैं। तो ये जो कोशिकाएँ हैं मेनली प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं। इसकी खोज जो है सबसे पहले, इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, और ये इट इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन एनिमल सेल, जंतु कोशिकाओं में ये पूरी तरह से एब्सेंट होती हैं। और जो प्लांट की सेलवाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, अर्थात जो पादप कोशिकाएँ होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। और सेलवाल इज फ्रीली परमिएबल, इसका मतलब होता है कि फ्रीली परमिएबल का मतलब होता है कि ये जो सेलवाल होती है, सेलवाल से होकर सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स दोनों आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन जिसके माध्यम से सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स विलेय और विलायक दोनों आर पार चले जाएं, ऐसी मेम्ब्रेन को हम फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे कोई विलयन है, सपोज दैट कि हम यहाँ पर एक साल्ट सॉल्यूशन लेकर चलते हैं, साल्ट सॉल्यूशन लेकर चलते हैं, तो साल्ट सॉल्यूशन में निश्चित रूप से क्या क्या होगा, साल्ट होगा और वाटर हो सकता है। तो साल्ट प्लस वाटर होगा। अब सपोज है कि ये कोई मेम्ब्रेन है, अगर इस मेम्ब्रेन से साल्ट के भी पार्टिकल आर पार जा सके और वाटर के भी पार्टिकल्स आर पार जा सके, तो हम कहेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन है वो फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन है सेल वाल। अब इसके फंक्शन की अगर हम बात करें, तो जो सेल वाल होती है हमारी, वो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, क्योंकि ये थोड़ा रिजिड होती है, दृढ़ होती है, इसलिए ये कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। ये मेन फंक्शन इसका है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, कि सपोज दैट कोई कोशिका है और प्रत्येक सेल में ऑस्मोसिस डिफ्यूजन इन सब की क्षमता होती है, और कोई मान लीजिए कोशिका है उसको हमने पानी में रख दिया, पानी में डुबो कर रख दिया। अब
इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि उसमें उस मेम्ब्रेन से होकर ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर उस कोशिका में प्रवेश करेगा। अब सपोज दैट ये कोई कोशिका है और ये बाहर की तरफ उसकी सेल वॉल है। अब वाटर जो है वो प्रवेश करेगा इस कोशिका में, और हो सकता है कि एक ऐसी स्थिति आए पानी इसमें इतनी ज्यादा मात्रा में भर जाए कि वो कोशिका फट जाए। तो यहाँ पर ये जो कोशिका की जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन को किसी भी आघात से, किसी भी प्रकार की फटने जैसी चांस को लगभग खत्म कर देती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सेल वॉल होती है वो किसी भी प्रकार की इंजरी से, किसी भी प्रकार के आघात से सेल मेम्ब्रेन की सुरक्षा करती है। और इसके बाद हम अगर इसके नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, नेक्स्ट फंक्शन, तो जो प्लांट की सेल वॉल होती हैं वो उसकी जो रूट की सेल वॉल्स होती हैं, वो पौधे की जो जड़ों में सेल वॉल्स होते हैं, उसकी कोशिकाओं की जो सेल वॉल्स होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करने में प्लांट की हेल्प करती हैं। तो ये तो था सेल वॉल के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। अब हम आगे की वीडियो में इसी प्रकार से अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते जाएंगे। जैसे अब हमारा हो गया ये सेल वॉल हो गया, इसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन और गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, इन सब प्रत्येक सेल ऑर्गेनेल्स के प्रत्येक कोशिकांग के बारे में आगे स्टडी करते चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।